आदाब नाज़रीन, एनओडी टीवी पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। शाम 7:30 बजे बेगम बाजार फिश मार्केट के पास में नीरज पवार, जो कि 22 साल का एक यंग लड़का था, कुछ साल पहले यादव समाज की एक लड़की से उस लड़के का प्यार हुआ, उस लड़के से उसके बाद में परिवार वाले विरोध करे लड़की के, तो रजिस्टर मैरिज ये लोग कर लिए। एक छोटा सा अच्छा बच्चा भी है। और आज लड़की के परिवार वाले, शायद उनके भाई, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, नीरज कुमार को पूरी प्लानिंग करके, कब आता कब जाता कैसा क्या, पूरी प्लानिंग करके उसको घेर कर चार लोग मिलकर उसका पिताजी भी साथ बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और साथ में उनके पिताजी थे, पिताजी के ऊपर भी अटैक किया गया। जगदीश पवार जी उनके पिताजी का नाम है। और आने से पहले मैं इंस्पेक्टर से, एसीपी से बात किया था कि जो लोग भी इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है, क्योंकि यंग लड़का है, छोटा सा बच्चा है, और बेरहमी से बाजार में दिन दहाड़े, यानी एकदम रात का ही थोड़ा ही से समय था, पूरा पब्लिक भी बहुत ही चहल पहल था, पब्लिक के बीच में उस लड़के का मर्डर किया गया। मैं पुलिस के अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस केस में जितने लोग इन्वॉल्व है, सभी के सभी लोगों को अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए और उनको सज़ा मिले। क्योंकि देखिए, जब लड़की घर से चली जाती है, शादी हो जाती है, तो उसके भाग्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस तरह से मर्डर कर देना टारगेट करके, ये सारा सर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। और जब तक ये जो लोग मर्डर केस में इन्वॉल्व है, जब तक अरेस्ट नहीं होते, जैसे परिवार के लोगों का कहना है कि हम बॉडी नहीं लेंगे और अंतिम संस्कार भी हम नहीं करेंगे, ऐसे परिवार वालों का कहना है, तो पुलिस से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो लोग इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। सर, यह बात पता चली है कि यहाँ पर जो कास्ट फीलिंग की वजह से जो है मर्डर हुआ है? देखिए, ये है पवार परिवार, यानी एक मारवाड़ी परिवार है, और माली समाज यानी मारवाड़ी राजस्थानी समाज से आते हैं, और लड़की जो है वो यादव समाज की है। ये थोड़ा मतलब समाज में थोड़ा डिफरेंस है, जात में थोड़ा डिफरेंस है, उसी को ले लेकर के हमारी जात की बच्ची है और एक राजस्थानी मारवाड़ी उठा के ले या शादी कर लेता है, वही गुस्से में उस लड़के का मर्डर किया। सर, अब किसी को मैसेज देना चाहिए, क्योंकि हम देश में आगे बढ़ चुके हैं लेकिन अभी भी कास्ट के ऊपर लोग, चाहे कोई भी हो, जैसे नागराजू का मर्डर हुआ या पवार इसका भी मर्डर हुआ, कुछ भी हो, बैठ के हल करना चाहिए। लड़की जब विवाह करके चले आती है तो उसके भाग्य पे उसको छोड़ देना चाहिए। लाख की टारगेट करके इस तरह से मर्डर करना, एक तो मर्डर करने वालों की लाइफ खराब, क्योंकि सीसीटीवी अगले साल अप्रैल में हुआ था। चुरा उठाओ, नीरज कुमार है मेरा बेटा है, आनंद ने आज अटैक कर दिया उसके ऊपर, तो लड़का भी अभी 2.5 महीने का, पाँच जने मिल के अटैक करे बोलते वीडियो बताया अभी पुलिस वाले ने। ये कई को अटैक करा हूँ, लव मैरिज हुआ बोलते, ये इंटर कास्ट मैरिज है। इससे पहले कुछ दम के उनके दिए? नहीं, इससे पहले हम लोग का पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए थे, अफजलगंज में देखिए थे। कितने रहते थे? हम यहाँ बेगमिया कुलसावड़ में रहते। आपका बच्चा कितने साल का है? 21 साल का है। क्या काम करते थे? दुकान में रहता मेरे साथ। क्या आपका कौन सा बिजनेस? मछली का दुकान है हमारा, थोड़ा आगे करो चिलखाने में, अली मार्केट में। और अभी मेरे मामा जी की दुकान गए थे, 5 मिनट में आ गए। क्या हुआ? हमारे मामा जी की दुकान गए थे, यहाँ पे पीछे मामा जी की दुकान है, यहाँ से वापस आ रहे थे, 5 मिनट में हुआ है। किधर हुआ है? यही गली के अंदर। कितने बजे हुआ है? कितने बजे हुआ? टाइमिंग आज शाम 7:30 को शहनाजगंज पुलिस स्टेशन लिम्स में मछली मार्केट पर नीरज पनवार बोल के एक आदमी पर हमला हुआ बोल के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन आया। तुरंत पुलिस इधर पहुंच गया, उनको ब्लीडिंग इंजरीज देकर उनको हॉस्पिटल को शिफ्ट किया। हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट लेने के समय उनका डेथ हुआ। वो मालूम हो रहा है कि 1.5 साल बाद संजना बोल के एक लड़की को शादी किया, उनको एक बच्चा भी पैदा हुआ। ये संजना की परिवार के लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व हुए बोल के अब शक है। पूरा डिटेल्स बाद में बताना होना है।
बच्चे की फैमिली वाले ऑलरेडी कंप्लेंट करे थे हाँ कंप्लेंट करके कंप्लेंट किया उनका ये संजना फैमिली का मेंबर्स में सस्पिशन है उनको उस एंगल में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।